फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन परफेक्ट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही यमी और सॉफ्ट बनते हैं घर में, तो स्टार्ट करेंगे बनाना। जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा बनाएंगे। मावा आप मार्केट से भी ले सकते हैं, हलवाई की दुकान से, बट आजकल लॉकडाउन की वजह से शॉप्स खुली नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर का इंस्टेंट हम मावा बना लेंगे, खोआ बना लेंगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी यहाँ पर मिल्क पाउडर, 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और थोड़ा सा दूध लिया है। अब एक पैन में हम ये देसी घी ऐड कर देंगे। और साथ ही ये दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे दोनों को और धीरे धीरे ये हम अपना मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। डेढ़ कटोरी यानी 1.5 कटोरी अच्छे से मिला लेंगे इनको। कंटिन्यूअसली हिलाते जाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे बस ये हमारे इंस्टेंट मावा को बनते हुए। ये देखिए, बस 2 से 3 मिनट लगे मुझे, ये हमारा मावा बढ़िया सा बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक साइड पर इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन के लिए चाशनी ज्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुलाब जामुन जितना अच्छे से डिप होंगे चाशनी में उतने ही ज्यादा बढ़िया बनेंगे। और 1.5 कटोरी हम इसमें डाल देंगे पानी। गैस ऑन कर लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, ये जो मावा है इसको हमने बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, बस जब इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसको आराम से हाथ लगाएं, थोड़ा ये वार्म भी रहना चाहिए। और हम इसके लिए लेंगे इतना छोटा सा पीस, ये होगा 50 ग्राम का पीस होगा फ्रेश पनीर का, घर का ही बना हुआ पनीर है। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये खोआ इतना हो गया ठंडा कि आराम से हाथ लग रहा है। ये पनीर को अच्छे से मसल लिया मैंने। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा और साथ में 4-5 चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदा के और इसको अच्छे से गूंदेंगे, अच्छे से सब चीजों को मिक्स करेंगे। 3 से 4 छोटे चम्मच मैंने इसमें मैदे के डाले थे, तो अभी मुझे मैदा थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि ये डो बहुत चिपक रहा है। 2-3 चम्मच इसमें हम और डाल देंगे। आप इसकी मेजरमेंट अगर बड़े स्पून से रखेंगे, जैसे टेबल स्पून से, तो 4 टेबल स्पून आप इसमें मिनिमम डाल लीजिए इतने मटेरियल में, और अगर छोटे तो वो मैंने 7 डाले हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट। चाशनी को चेक कर लेंगे। चाशनी को हम इस तरह से चेक करेंगे, 5 से 6 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए, हाथ पर लेके हम ऐसे देखेंगे कि ये चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, मतलब बट ये हमारे फिंगर को लगे तो हमें फील हो कि कुछ है, बिल्कुल पानी जैसे नहीं होनी चाहिए ये। बस इस स्टेज पे थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे
अच्छे फ्लेवर के लिए फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब इधर इस डो को हमने बहुत अच्छे तरह से मतना है, यानी गूंदना है, कि तभी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे ना हमारे गुलाब जामुन फटेंगे। इसको बहुत अच्छे से गूंदना है हमें। ये परफेक्ट डो हमारा रेडी हो गया। 5-6 मिनट अच्छे से वार्म में ही इसको गूंदते हुए अब हम सब गुलाब जामुन बना लेंगे। इसके दो पोर्शन करके इसको सेम साइज में गुलाब जामुन बनाएंगे। देखिए इस तरह से सब गुलाब जामुन पहले हम बना कर रख लेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हाथों में इस तरह से लेकर जो भी आपको राउंड बनाने हैं, देखिए कितना स्मूथ बना है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है। इसी तरह का हमारा डो होना चाहिए। सब गुलाब जामुन पहले मैंने रेडी करके रख लिए। अब हमने ऑयल गरम करना है, बट ऑयल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना, और धीरे धीरे वन बाय वन करके गुलाब जामुन हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यूअसली हिलाएंगे हम सब डालने के बाद, ताकि हर तरफ से ये एक साथ पके। अगर हम इनको हिलाएंगे नहीं तो कहीं से ये ज्यादा ब्राउन और कहीं से कम ब्राउन ऐसे दिखेंगे। इस तरह से हम इनको हिलाते रहेंगे। ये देखिए सिम पर परफेक्टली ये पक रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली हिलाते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं जितना साइज हमने बनाया था, साइज में भी ये बड़े हो गए हैं पकते हुए। ये परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बस इसको सीधा निकाल कर हम चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी भी हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, वार्म से थोड़ा तेज ही होनी चाहिए। बस जल्द से इनको डालते जाएंगे। ये देखिए इनको चाशनी में डिप करके हम कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही रखेंगे, ताकि अच्छे से अंदर तक चाशनी ये सोक कर ले। तो 2-3 घंटे के बाद इसको हम सर्व करेंगे। परफेक्ट सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन रेडी है बनकर। इसे हम गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और 2 घंटे बाद फ्रिज में रखकर ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिए आप भी इस तरह इस रेसिपी को। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।